This is Amit Narula from ATM Institute Channel. I heartily welcome you here once again. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम एक सीरीज बनाएंगे अलग अलग क्यू कार्ड्स को सॉल्व करने की उसी पैटर्न के साथ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था. अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्यू कार्ड नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके उसे दोबारा से देख सकते हैं. उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं आज एक क्यू कार्ड सॉल्व करता हूँ तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है. Describe an English lecture class you enjoyed. एक ऐसा English lecture जिसे आपने बहुत enjoy किया. अब ये classroom हो सकती है, school का lecture हो सकता है, कोई college का lecture हो सकता है, किसी conference में, किसी meeting में आपने कोई lecture सुना जिससे आप बहुत enjoy किया. ये past का cue card है, साफ समझ आ रहा है. उसी pattern को अगर हम follow करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? Tagline. उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन लाइन या टॉपिक लाइन जिसको हम बोलते हैं. आफ्टर दैट डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हमें वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हूज, हाउ में से कोई चार या पांच ले लेने हैं जिसके साथ हम उस क्यू कार्ड को साथ में लेके चलेंगे. उसके बाद मैंने आपको समझाया था एक्सटेंडेड बुलेट पॉइंट्स ताकि हम उसको एक्सपेंड कर सकें, जिसमें हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट यू सा, व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द सिचुएशंस, जिसमें खुलकर बोलने के लिए आपके पास स्पेस हो. तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज आपके सामने क्यू कार्ड है. लेट यू वॉच, अगर हम इस क्यू कार्ड को सॉल्व करते हैं तो टैगलाइन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं. ये फिक्स नहीं है, यू कैन चेंज इट बाय योरसेल्फ, पर टैगलाइन का मतलब क्या है? क्वेश्चन से पहले की एक लाइन. मतलब टॉपिक क्या था हमारा? डिस्क्राइब एन इंग्लिश लेक्चर क्लास यू एंजॉयड. मतलब इंग्लिश लेक्चर कहां से आया? लर्निंग से आया. तो लर्निंग के ऊपर एक टैगलाइन हो सकती है. इंग्लिश लेक्चर मतलब लैंग्वेज के ऊपर एक टैगलाइन हो सकती है. इंग्लिश लेक्चर देखना है कि ये कहां से निकल रहा है. लर्निंग, लेक्चर, एंजॉयमेंट, इसके ऊपर कोई भी एक आपका टैगलाइन हो सकता है, राइट? अब मान लीजिए हमने एक टैगलाइन दी है, आप इसे एक एज एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वेल, इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेज व्हिच फैसिनेटेड मी सिंस माय चाइल्डहुड. आई ऑलवेज बीन क्यूरियस टू एनहांस माय नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सो आई हैव अटेंडेड काउंटलेस इंग्लिश क्लासेस इन माय लाइफ. मोस्ट ऑफ देम आई ऑल्सो फाइंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी. आप इसे भी याद कर सकते हैं, इसके जैसी लाइनें अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं. बट इट ऑल डिपेंड्स टू यू हाउ मच कंफर्टेबल यू आर वाइल स्पीकिंग इन टैगलाइन. टैगलाइन में रट्टा लगा करके बोलते हुए आपकी फ्लुएंसी और आपका एक्सेंट खराब हो जाएगा, इसलिए इसे नेचुरल टोन में बोलने की कोशिश करिएगा ताकि सामने वाले को लगे ये नेचुरली बोला जा रहा है, ये रट्टा ये याद नहीं किया हुआ है. आगे आता है हमारा क्वेश्चन लाइन. टैगलाइन तो लगा दी. फॉर एग्जाम्पल, टैगलाइन आपके पास आता है किसी मोबाइल के ऊपर, राइट? एक टॉपिक है आपका, अ मोबाइल विच यू फील वेरी गुड, या मोबाइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो निकला कहाँ से? टेक्नोलॉजी से. तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी टैगलाइन हो जाएगी, राइट? टैगलाइन के बाद हमारी क्या आती है? क्वेश्चन लाइन या टॉपिक लाइन. इस टॉपिक लाइन का मतलब क्या है? उसको टैगलाइन से कनेक्ट करना है और वो क्वेश्चन का रियल मीनिंग होना चाहिए. हमारा इसमें क्वेश्चन क्या था? क्लास विच यू इंजॉयड. पर हमने तो इसमें नहीं बात की. हमने क्या बात की? मैंने बहुत सी क्लासेस अटेंड की हैं बचपन से, राइट? और मेरे को उसमें बहुत फ़ायदा मिला है. पर क्या मैंने उस क्लास के बारे में बात की जिसके बारे में पूछा जा रहा है? नहीं. इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन लाइन नहीं थी. क्वेश्चन लाइन बाद में शुरू होती है. हियर आई वुड लाइक टू शेयर अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन वन ऑफ माई इंग्लिश क्लास. इसका मतलब अब हम टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, राइट? टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि यही तो पूछा गया था हमसे. हियर आई वुड लाइक टू शेयर प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन वन ऑफ माई इंग्लिश क्लास. अब आपने माहौल बना दिया कि मैं वो बोलने जा रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछा था. नेक्स्ट, अब शुरू हो गया डब्ल्यू एच फैमिली. डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको बोला अभी, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हूज. कोई भी आपसे सिंपली अगर पूछता है इंग्लिश लेक्चर जो आपने इंजॉय किया, वो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या पूछेगा? कौन सा लेक्चर, कहाँ अटेंड किया, कैसे अटेंड किया, किसके साथ थे आप, कब अटेंड किया, क्यों अटेंड किया, यही है ना? तो इनमें से आप कोई भी आठ कौन से, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हूज, हुम, हाउ में से कोई भी चार या पांच आप ले लीजिए जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको फिट बैठ रहे हैं, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली में सबसे पहले क्या आ गया? व्हेन. उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? वाई. व्हेन में क्या आ रहा है? एट अ टाइम आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, अब इसमें एक दो लाइनें और ऐड कर लीजिए. मतलब व्हेन के बारे में, कब आपने वो लेक्चर सुना, इसके बारे में आपको बात करनी है, राइट? नेक्स्ट इज व्हाई. क्यों सुना भाई, क्यों सुना? अरे रीजन था क्यों. उस दिन मेरे MBA जो मेरे मिसेस अमन शर्मा मैडम थे, मेरे इंग्लिश वाले, वो एब्सेंट थे, तो उनके लिए सब्स्टिट्यूट हमारा कोई टीचर आया, उसने हमें एक लेक्चर दिया और वो तो बड़ा इंप्रेसिव लगा हमें. तो इस तरह से हमने क्या रीजन दे दिया? व्हाई.
Why, when, ये हो गया. अब इसके बाद हम अगली बात कर सकते हैं. Who, like who, कौन. अब इसमें हमें क्या बोलना है कि एग्जाम्पल क्या चल रही थी हमारी, लेक्चर विच यू इंजॉयड, राइट. सबसे पहले हमने क्या किया, वेन, कब, फिर कहाँ, अब हु, कौन था, उसका नाम आएगा, राइट. अब मैनेजमेंट सेट अनदर टीचर मिस्टर सिंह. अब मिस्टर मिसेस अमन जी नहीं आए तो कौन आया, मिस्टर सिंह, राइट. अब इनके बारे में फिर से एक स्टोरी क्रिएट करने का स्पेस बना दिया हमने. क्या हुआ, वो हमारी क्लास में नहीं आए, फिर मिस्टर सिंह आए, उन्होंने उनका सब्स्टिट्यूट लेक्चर लिया. उस लेक्चर के अंदर उन्होंने हमें कुछ स्पेशल फॉरेन लैंग्वेजेस के टिप्स दिए, इंग्लिश कैसे सीखनी इसके. तो यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करने का हमारे पास एक टाइम है, राइट. तो मैनेजमेंट सेट अनदर टीचर मिस्टर सिंह टू कवर द सिलेबस एज अ सब्स्टिट्यूट, राइट. अब इसमें आप कुछ और लाइनें अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, देन यू कैन एक्सपैंड इट एज मच एज यू कैन. अब अगला क्या आता है, व्हाई इट इज स्पेशल. अब नेचुरली कौन था, कब आए, कहाँ आए, क्यों आए, सब कारण दे दिए. अब हमें एक ऐसा बुलेट पॉइंट चाहिए जिसमें हम उसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकें. इस एक बुलेट पॉइंट पे अब आप फ्रेजेस ऐड करेंगे. फ्रेजेस याद है आपको, मोर ओवर, हाउ एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ये वो स्पेस बढ़ने वाली है जहां पे आपने एक्सटेंड करना है अपने बुलेट पॉइंट्स को. तो व्हाई इट इज स्पेशल, क्यों स्पेशल था. अब ऑब्वियसली यहां पे आप स्पेशियस हैं, आप एक कारण, दो कारण, तीन कारण, चार कारण दे सकते हैं कि क्यों ये आपके लिए बहुत स्पेशल था, राइट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एक्सपीरियंस हिज वे ऑफ टीचिंग वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, पहला पॉइंट हो गया. सेकेंडली फ्रेज लगा दिया हमने, ही फाउंड द कॉमन प्रॉब्लम अमंग स्टूडेंट्स दैट वॉज फ्लुएंसी, उन्होंने देखा कि फ्लुएंसी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. आफ्टरवर्ड्स तीसरा हमने फ्रेज लगा दिया, आफ्टरवर्ड्स ही गिव अस अमेजिंग लेक्चर अबाउट द वे ऑफ लर्निंग फॉरन लैंग्वेज, इट वॉज ऑलमोस्ट 1 आवर क्लास. तीसरा फ्रेज भी लगा दिया. एक और फ्रेज लगाते हैं मोर ओवर करके, मोर ओवर ही वॉज क्लियरिंग ओवर डाउट्स विद इन सेकेंड्स इन एन इफेक्टिव वे. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अलग अलग फ्रेजेस लगा के उसी पॉइंट को हमने एक्सपेंड किया. इन पॉइंट्स पे, हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन पे आप एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बोल सकते हैं जो कि मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, 5 सेकंड की होगी. फिर भी हमारे बुलेट पॉइंट कितने कवर होंगे, 40 सेकंड से ज़्यादा कवर नहीं हो सकते हमारे, राइट. पर ये एक ऐसा बुलेट पॉइंट है जिसको हमें 25-30 सेकंड तक एक्सपेंड करना है, और वो एक्सपेंशन बिना फ्रेजेस के ऐड किए नहीं हो सकती. दैट इज व्हाई अभी हमारा पहला बुलेट पॉइंट है. अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, हाउ डू यू फील. अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाउ डू यू फील, कैसा लगा आपको. फिर से वही एक्सटेंडेड बुलेट पॉइंट्स चल रही हैं. ये वो एक्सटेंडेड बुलेट पॉइंट्स हैं जहां हमारे पास स्पेस है चीज़ों को ज़्यादा बोलने की. हाउ डू यू फील में आपको कैसा लगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट. तो यू कैन एक्सपेंड इट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज. अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आई डिड नॉट फील बोर्ड एंड इन्जॉयड दिस क्लास. अब इसमें आप खुद से कुछ और ऐड कर लीजिए, आई फील एंथुजियास्टिक, आई फील वेरी गुड, आई फील एनर्जेटिक, आई नेवर फील द सेम लाइक बिफोर. कुछ भी आप दो तीन लाइनें ऐड कर लीजिए, और हो सके तो इसमें एक स्टोरी भी ऐड कर लीजिए कि मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ. एक बार मुझे ऐसा पहले फील हुआ था जब मैं कहीं 5th-6th क्लास में था, तब मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वही सेम फीलिंग मुझे फिर से आई, वो चीज़ें जो मैं भूल रहा था मैंने सारी रिवाइज कर ली. तो ये सब चीजें आपकी दोबारा से ऐड हो जाएंगी इस पॉइंट के अंदर, हाउ डू यू फील के अंदर. अगला फिर से एक्सटेंडेड बुलेट पॉइंट याद करवा दूं, ये वो एक्सटेंडेड बुलेट पॉइंट्स हैं जहां पे आपको स्पेस मिलती है ज्यादा बोलने के लिए. व्हाट डू यू लर्न, क्या सीखा. फिर से एक चीज सीखी, दूसरी सीखी, तीसरी सीखी, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से. व्हाट डू यू लर्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट बट इंग्लिश, माई इंग्लिश गॉट इंप्रूव्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड आई ऑल्सो के बाद मैंने डैश दे दिया कि आप कुछ भी अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लीजिएगा. अलॉन्ग विद इट फिर से कुछ ऐड कर लीजिए. तो फ्रेजेज इसमें भी, जैसे राइटिंग टास्क 2 में फ्रेजेज बहुत मैटर करते हैं, इसी तरह यहां भी फ्रेजेस बहुत मैटर करते हैं अगली लाइन को कनेक्ट करने के लिए. ये बच्चे गलती करते हैं क्यू कार्ड में फ्रेजेस को यूज ना करके, जिससे कि सेपरेशन नहीं हो पाती पॉइंट्स की आपस के बीच में. तो अलोंग विद इट एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, ऑल्दो एक दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए, हाउएवर एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, ये आप यहां पे कर सकते हैं, राइट. इससे आपका ऑलमोस्ट क्यू कार्ड 1 मिनट 40-50 सेकंड तक जा चुका है. अब लास्ट में क्या आ रहा है, फिनिशिंग लाइंस. यहाँ एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज से दिखाना शुरू कर देगा कि मैं फिनिश करने वाला हूँ, ये आपको ऑब्जर्व करना होता है, राइट. इस समय फिनिशिंग लाइन पे चले जाइए. अब फिनिशिंग लाइन कुछ भी हो सकती है, स्टार्टिंग की लाइंस भी हो सकती हैं, क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा सकता है. दैट इज हाउ दिस लेक्चर इंप्रेस्ड मी अलॉट, जो बोला है उसी को रिपीट भी आप कर सकते हैं. दिस लेक्चर इंप्रूव्ड मी अलॉट, आई
feel myself very much improved while practicing in English. The same concept, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पर मैंने आपको एक format दे दिया है. The engaging teaching method, the passion of our teacher made the class inspiring and captivating. It is not enhanced my language skills only, but also ignited a lifelong appreciation for the power of expressing yourself. आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया है. कैसे, ये देखिए, इट इज़ नॉट इनहेंस्ड माय लैंग्वेज स्किल्स बट ऑल्सो इग्निटेड अ लाइफ लॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर द पावर. तो लास्ट में जाते जाते हमने उसको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दे दिया कि वो मजबूर हो जाएगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मार्क्स देने के लिए. आपको सिंपल भी बोला जा सकता था दैट आई फील वेरी मच इम्प्रूव माई सेल्फ इन इंग्लिश एंड आई ऑल्सो वेरी मच फील गुड इन दिस सेम लेक्चर और द लैंग्वेज स्किल्स, राइट. बट ये अगर आपको कुछ ऐसा लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल जाता है तो जाते जाते भी आपने उसको एक बॉम्ब दे दिया, गूस बॉम्ब दे दिया, जिससे कि वो अपने आप को और फील करेगी इसकी ग्रामर तो बहुत बढ़िया है, आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर द ग्रामर, राइट. ये सब हो गया जी. अब इसके बाद इसी क्यू कार्ड को लास्ट में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, अ लेक्चर विच यू इंजॉयड अ लॉट, राइट. अब इसी के रिलेटेड और क्यू कार्ड्स फाइंड करिए. आपको हर बार एक एक क्यू कार्ड करने की जरूरत नहीं है. इसी क्यू कार्ड के फॉर्मेट को देखिए कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मेट सेम क्यू कार्ड के आ सकते हैं. अ लेक्चर विच यू एंजॉयड अ लॉट, अ स्कूल क्लास विच यू एंजॉयड अ लॉट, अ मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है, अ टीचर हु इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट. इस तरह के और क्यू कार्ड्स फाइंड आउट करिए कि मैंने सेम स्टोरी, सेम कहानी, सेम स्ट्रक्चर और किस किस क्यू कार्ड में तैयार कर सकता हूँ. बच्चे क्या गलती करते हैं, 100 क्यू कार्ड तैयार कर रहे हैं. नहीं, आप कंबाइन करने की कोशिश करें और एक क्यू कार्ड के अंदर बाकी और 5 क्यू कार्ड को मर्ज करें ताकि एक क्यू कार्ड तैयार होने पर आपके 5 क्यू कार्ड और तैयार हो जाएं. Right? So this is the end of this video. I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा. And if you have any queries, any doubts, so give me something on your comment box ताकि मैं आपके इस doubts को clear कर पाऊँ. And if you have not subscribed my channel yet, do it right now for the next video. Thank you very much. कल दोबारा मिलते हैं एक नई क्यू कार्ड को सॉल्व करने के लिए और फिर से एक फॉर्मेट के साथ आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ ऐसे टीच करूँगा आपको. Thank you so much. भाई अमित नरुला, thank you very much to be the part of this ATM Institute channel. Bye-bye.